तो कानपुर में सर्दी जो है वो जानलेवा हो गई है। स्थिति यह है कि भीषण ठंड से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर आंकड़ों की माने तो कानपुर में सर्दी पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। कल तक जो ठंड लोगों को उनके घरों में समेट रही थी, जो ठंड घर से बाहर निकल पाना मुश्किल कर रही थी, अब वही ठंड जानलेवा बन चुकी है। ठंड जान लेने लगी है। ठंड में अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने लग रहा है, नसों में ब्लड की क्लॉटिंग यानी कि खून का थक्का जम जाता है। कानपुर में भी शीतलहर का प्रकोप तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि गुरुवार को सिर्फ एक दिन में 22 मौतें हो चुकी हैं। जी हां, 22 मौतें। इन मौतों का डरावना पहलू तो यह है कि 17 मरीज कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी तक पहुंच ही नहीं पाए। उन्हें चक्कर आया, बेहोश हुए और कहानी खत्म हो गई। यही हाल ब्रेन अटैक से मरने वाले 3 रोगियों के साथ हुआ। उन्हें अचानक से बेहोशी आती है और मौत हो गई। फिलहाल अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं। एक साथ ये जो मौतें हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, बड़ा सवाल है। कानपुर में शीतलहर का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ रही हैं। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे, जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे, जिनको कि भर्ती करना पड़ा, उनका भर्ती करके उपचार किया गया। 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ी। और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी की इलाज के दौरान मृत्यु हुई, और 15 पेशेंट एक दिन में ब्रॉड डेड लाए गए, यानी कि जब वो पहुंचे हैं तो उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत ही दुखद परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। लोगों को ठंड में बिल्कुल अपना बचाव करना चाहिए, सर ढका रहना चाहिए, कान नाक ढका रहना चाहिए। जब सूरज निकला हो तभी सामान्यतया घर से बाहर निकले, बाकी समय यथा आवश्यक घर के अंदर ही रहकर ठंड से बचाव करें अपना। ये खास तौर से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको घर से बाहर निकलना उचित नहीं है शीतलहर में। और रात को खाते समय खाना जो खाया जाए वो हल्का और सुपाच्य भोजन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रोगियों की समस्याएं रात को ज़्यादा बढ़ती हैं, जब टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट की तरफ जाने के बजाय इंटेस्टाइंस में जाने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को मिले, इसके लिए हल्का सुपाच्य भोजन किया जाए और शरीर को पूरी तरह गर्म रखा जाए, बिल्कुल किसी हालत में शीतलहर का प्रकोप न होने पाए। अब आंकड़ों की माने तो कानपुर में सर्दी पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। पारा लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारी ठंड लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर भारी पड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इसी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक पड़ रहा है। कानपुर से रफ्तार मीडिया के लिए खास रिपोर्ट।